Hello everyone. So in this video you will get to know about some tips to shade hair smoothly. I am applying the first layer right now. So while applying the first layer, you take care ki aap har stroke apne reference ke hisab se do. Aur aap is baat ka bhi dhyan rakho ki aap kahin par bhi zyada pressure na apply karo warna highlights lene time bahut problem hogi. Aur yahan pe main first layer ko blend kar rahi hu. While applying the second layer, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे आप प्रेशर तो अप्लाई करो पर ज़्यादा ना करो, क्योंकि फिर हाईलाइट्स देने टाइम हमें इरेज करने होते हैं. तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे और फिर उसे इरेज करोगे तो वो आपको स्मूथ टेक्सचर नहीं देगा. Here I have done a mistake while blending कि मैंने जिस direction में मैंने strokes लगाई थी मैंने उस direction में blend नहीं किया. तो do take care कि आप जैसे strokes लगाते हो आप अपने किसी भी blending tool use कर रहे हो आप वो matter नहीं करता है. बस आप जिस direction में strokes लगा रहे हो उसी direction में blend करने की कोशिश करो. एंड दिस इज़ द लास्ट जो अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. एंड इसके बाद विल स्टार्ट द हाईलाइट पार्ट. एंड वही तो मेन होता है एक हेयर को रियलिस्टिक बनाने के लिए. या ऑफकोर्स डार्क वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट बट डार्क वैल्यूज विदाउट हाईलाइट्स आर नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग. और हाईलाइट पार्ट. तो हाईलाइट देते टाइम आपको एक चीज़ का मेन ध्यान रखना है जो आपके स्ट्रोक्स. आप कोशिश करो कि जो आप वाइट स्ट्रोक्स दे रहे हो वो बहुत पतले हो, मतलब जितने ज़्यादा पतले होंगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा.
let's move ahead with drawing the beard. तो यहाँ पे मैं शेडिंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, जैसा कि रेफरेंस में दिया है, बस उसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ और छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। Now here I am blending it just to achieve that darkness which is present in the reference image. तो अब मैं last layer चला रही हूँ, तो ये layer इससे भी important है क्योंकि ये एक अलग ही 3D look देता है आपके drawing को, because shading मैंने तो first layer shade कर दिया था तो उससे वो 3D look नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये last layer चलाया इस drawing में। So this much for this video. Do check out my Instagram page too, and thanks for watching.